यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो गाइस। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक हार्डकोर सीरीज। सो आप लोगों को तो पता ही होगा इसमें क्या करना होता है। हमें कुछ सब ब्लॉक माइन करना होता है एंड उसके अंदर से कुछ रैंडम ब्लॉक आता है। तो चलो अभी ये हार्डकोर है इसलिए मुझे थोड़ी बहुत सेफ्टी फर्स्ट, अगर कुछ सब ब्लॉक नहीं आया गलती से भी तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत डर्ट माइन कर लेता हूँ और यहाँ पे और डॉट को आसपास प्लेस करता हूँ। यहाँ पे चेस्ट आई है और चेस्ट के अंदर इम्पोर्टेंट नाम की बुक है और एक मीडियम लैंग्वेज और बक्स नाम की, और यहाँ पे कुछ 5 ब्रेड्स दिए हैं। ओके, तो मैं ब्रेड ले लेता हूँ उससे पहले और चेस्ट को भी माइंड करता हूँ। सो लेट्स सी चेस्ट को माइंड करने के बाद हमें क्या मिलता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट वुड आ गया और मेरे को क्ले भी मिल चुका है। तो अभी मैं जल्दी से वुड को माइंड कर लेता हूँ और उसे प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अभी मुझे क्राफ्टिंग टेबल और अपने वेपन्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अभी मैं जल्दी से डर्ट से यहाँ पे आसपास सरफेस डालता हूँ, क्योंकि अगर मॉब्स स्पॉन हो गए शीप वगैरह तो मुझे उन्हें संभाल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत सरफेस तो चाहिए ताकि वो यहाँ से गिर नहीं जाए। अभी मेरे पास इनफ वुड हो गया है, तो अब मैं जल्दी से थोड़े बहुत प्लैंक्स बना लेता हूँ और से क्राफ्टिंग टेबल भी बना लूँगा एंड थोड़े बहुत स्टिक बनाने के बाद मैं थोड़े बहुत वेपन्स भी बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना मैं माइन कर रहा था ब्लॉक्स और यहाँ पे एक बेबी शिप स्पॉन हो गई है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से कवर करना पड़ेगा ताकि ये भाग के चले नहीं जाए या फिर ये जंप करके यहाँ से कूद नहीं जाए। तो यहाँ पे मैं इसे ना बचा लेता हूँ ताकि और भी अगर यहाँ पे स्पॉन हो तो मैं ब्रीड कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे वन ब्लॉक में स्पॉन होना इनका बहुत ही हार्ड होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसे ब्लॉक कवर करता हूँ ताकि ये ऊपर से भाग ना पाए। तो ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे काऊ भी स्पॉन हो गई थी एंड काऊ को भी मैंने यहाँ पे ट्रैप कर दिया था। तो ओके गाइस, फाइनली मुझे बहुत ज्यादा माइंड करने के बाद यहाँ पे एक हेबेल मिला है एंड इसे व्हीट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इन सब को फीड करा देता हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डर्ट के ब्लॉक्स लगाए बिकॉज यहाँ पे मैं अपना एक काऊ फार्म बनाने वाला हूँ। तो उस जगह को तो मैं पूरा ये फार्मिंग के लिए रखूँगा, मॉब्स के फार्मिंग के लिए, एंड इससे थोड़ा दूर मैं अपने एक बड़ा सा आइलैंड बनाऊंगा, फिर उधर थोड़ी बहुत आगे का करूंगा प्रोग्रेस। तो अभी तो मैं जल्दी से यहाँ पे आगे ब्लॉक्स लगा देता हूँ बहुत सारे। देन मैं यहाँ पे थोड़े बहुत वुड्स लगा देता हूँ। तो मैं इसे थोड़े अलग ही शेप में बनाना चाहता हूँ, मतलब थोड़ी सी अलग बनाऊंगा, थोड़ा अलग तरह का। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बेस तैयार कर लेता हूँ एंड बाकी का तो आपको नेक्स्ट एपिसोड तक समझ में आ ही जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत वुड्स वगैरह लगा देता हूँ एंड यहाँ पे भी जल्दी से लगा देता हूँ। चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो भी मैंने अभी रिकॉर्ड कर ली है, सो वह आप लोगों को थोड़े दिन बाद देखने को मिल जाएगी। तो उससे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।